सब्सक्राइब करें शॉर्ट टर्म सीक्रेट हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो मेरी बहुत सारे फेमस व्यूअर्स के रिक्वेस्टेड वीडियो है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसे अपने डार्क प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को इजिली लाइटन कर सकते हैं। ये रेमेडी स्पेशली डार्क वेजाइना को लाइटन करने के लिए है, पर इससे आप अपने अंडरआर्म्स के डार्कनेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत सारी लड़कियों की शिकायत होती है उनके डार्क वेजाइनल एरिया को लेकर। ये एरिया हमेशा फोल्ड रहने के वजह से इस पर डार्कनेस आ जाते हैं, पर कुछ इफेक्टिव होम रेमेडी के मदद से इसके डार्कनेस को इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर करेंगे जिससे इजिली आप अपने डार्क बॉडी पार्ट्स को लाइटन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेकिंग सोडा। सबसे पहले एक बोल में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसका एक थिक पेस्ट बना लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसे अपने डार्क प्राइवेट बॉडी पार्ट्स यानी कि वजाइना के आसपास ऐसे अप्लाई कर लीजिए। ये रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल है पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए और ये बहुत ही जल्दी आपके डार्क एरिया को लाइटन भी कर देगा। इसे ऐसे अप्लाई करके 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। 10 मिनट बाद एक आधे नींबू लीजिए और इस नींबू के मदद से इसे इस तरह से रब कीजिए 5 मिनट तक। इस तरह से रब करने से स्किन की सारे डेड स्किन रिमूव होके स्किन अच्छे से क्लीन होगा। 5 मिनट बाद पानी से स्किन को धो लीजिए और फिर किसी भी मॉइस्चराइजर से स्किन को जरूर मॉइस्चराइज कीजिए। इससे स्किन पर ड्राइनेस नहीं आएगा। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्राइवेट पार्ट के डार्कनेस को इजिली रिमूव करने के लिए आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।